हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सोनू दलदाई चैनल और मेरा नाम है सोनू कुमार। दोस्तों आज आप जा रहे हैं अटल पथ में एक भाई जी से मिलना है जिसका चैनल का नाम है देसी क्रूज। वो दिल्ली में राइड करते हैं, मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। अभी वो बिहार आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर में उनका घर है, तो अभी वो पटना हमसे खास करके मिलने आए हैं, बहुत दूर से आए हैं। तो चलिए उनका वेलकम करते हैं अपने ब्लॉग में और साथ में मिलकर एक बेहतरीन ब्लॉग बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए आज का राइड स्टार्ट करते हैं। देसी क्रूज चैनल है मेरा। तो आपका, हम जब बाइक ले रहे थे ना तो आपका वीडियो हम देखे थे। अच्छा, रिव्यू के तौर पे। हाँ, तो उस समय इतने सब पता था कि आपसे मिलना भी हो जाएगा। मतलब मैंने भी आपका, मतलब वीडियो ऐसे ही एक बार वो शॉर्ट्स में कहीं पे इंस्टा पे आ रहा था। अच्छा अच्छा, तो उसको फिर मैंने टच के देखा, फिर वहाँ पे वीडियो पे जाके देखा। अच्छा, कि बाइक देखी। अच्छा, तो मेरा एक और कवर है एवेंजर पे ही, 180 पे एक है, एक दिल्ली में ही है, उनसे मेरा कवर एक ऑलरेडी हो रखा है उनका। अच्छा, तो वो भी उनका उन्होंने अपने इसी ढंग से मतलब किया हुआ है। तो वो भी कभी कभी राइड करते हैं, जाते हैं इधर उधर, तो उससे मैंने बनाया था। मैंने कहा चलो यार यहाँ है तो एक बार मिल लेते हैं, इसलिए फिर आपसे जो है कहेंगे चलो एक बार कनेक्ट करके देखते हैं। अच्छा, ये था। अभी बिहार में ऐसा नहीं गाड़ी है, पहला गाड़ी है शायद बिहार नहीं होगा, क्योंकि एक बार मैंने सर्च किया था तो उनको दिखा नहीं होगा। अभी तो लोग वीडियो वगैरह नहीं बना रहे हैं। नहीं होगा, मतलब वो आप फोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हाँ, फोटो ब्लॉगिंग कर रहे हैं। शौक मतलब ये बोला फुल टाइम नहीं है, एक्चुअली जॉब ही करता हूँ। अच्छा, आईटी में, तो इसलिए जो है जो काफ़ी वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए ये चलता है। तो हम लोग का घर तो यहीं पे है मुजफ्फरपुर में, हालांकि मेरा मतलब इन लॉ ससुराल जो है यहाँ है, पटना में ही पूरे लोग यहीं रहते हैं। तो ये था, तो मुजफ्फरपुर से अभी बड़े कस्टमर बाइक लेकर दिल्ली से ही आए। पहले लोग गाड़ी से आए थे, ये दो चीज़, अभी दो चीज़ें दोनों, एक दो को दो बार लेके जाना पड़ेगा, एक बार बाइक एक बार गाड़ी। लेकिन हाँ, सिंगल डे पे आ गई थी गाड़ी बाइक, दिल्ली से सिंगल डे चले और ये आ गई थी यहाँ पे। 965 किलोमीटर बक्सर आ गए थे। अच्छा, फिर मेरा ऑफिस था, लॉगिन करना था, इसलिए बक्सर में रुकना पड़ा, नहीं तो मुजफ्फरपुर सेम डे जाता। तो रात भर फिर ऑफिस करके फिर सुबह फिर निकला। तो 965 किलोमीटर सेम डे कवर करके आई थी, और ये चीज़ है। दोस्तों, सुकेश जी के साथ हमारा सफर स्टार्ट हो गया है घुमकड़ के इस प्लेटफॉर्म पर। सुकेश जी के पास है एवेंजर क्रूज और हम भी बैठे हुए हैं एवेंजर 220 क्रूज सोनू जी के साथ, और हमारा कोलैबोरेशन वीडियो चल रहा है। तो सुकेश जी का बता दूं कि घर मुजफ्फरपुर हुआ, मुजफ्फरपुर है ना सुकेश जी, मुजफ्फरपुर हुआ। और आप ये विश्वास नहीं करिएगा कि सुकेश जी ब्लॉग के इतने फैन हैं, मतलब इतना पैसिनेटेड है ब्लॉग को लेकर, ये दिल्ली से
इनफैक्ट दिल्ली से इन्होंने राइड कर कर यहाँ पटना आए। कितना दिन लगा सुकेश जी आने में? हाँ, एक दिन में आ गए। वाह, तो 265 किलोमीटर सिंगल डे। ओके, सुकेश जी के चैनल पे अपडेटेड है देसी क्रूज, और आप जाके देख लेना कि इन्होंने कैसे राइड किया है दिल्ली टू पटना। मुजफ्फरपुर का घर है, और ये खास करके हमारे हम लोगों से मिलने आए हैं। बहुत बहुत ही अच्छा लगा सुकेश जी हम लोग से मिलने आए हैं। देसी क्रूज और सोनू द राइडर का यहाँ पर कोलैबोरेशन वीडियो बन रहा है। सोनू भाई साहब, जो उनके गाड़ी के आगे पीछे आपको दिख रहा होगा, दो चक्का और लगा हुआ है, बिकॉज ही इज अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन। और अगर इन्हें इनका बस चले तो ये दिन रात सुबह शाम कोई ऐसा टाइम ही ना हो जाए जिस पर वो राइड ना करें। ऑल टाइम हाई बोलते हैं ना, हाउ द जोस, ऑल टाइम हाई इनका रहता है। फिलहाल कुछ पाबंदियों के कारण, फैमिली इशूज के कारण ये इस तरह का डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन जल्द ही लॉन्ग राइड पर सोनू द राइडर भी निकलेंगे, सोनू भाई साहब निकलेंगे, घुमक्कड़ से मैं निकलूँगा, और हो सकता है कि सुकेश जी को भी हम लोग शामिल करें अपने राइड पर। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। सुकेश जी, देसी क्रूज, सोनू द राइडर, घुमक्कड़, तीनों ने आज मिलकर कोलैबोरेशन वीडियो शूट किया, राइड किया, अटल पथ पर राइड किया, आप भी आए यहाँ पर राइड करें। और सुकेश जी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने दिल्ली से समय निकाल कर पटना है हम लोग से मिलने के लिए। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा लगा घुमक्कड़ टीम और सोनू द राइडर से मिलकर, बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, और जब कभी भी पटना आना हुआ तो सोनू भाई और घुमक्कड़ भाई दोनों से मिला जरूर जाएगा, और बहुत अच्छा लगा मिलके। चलिए तो सुकेश जी को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि ये निकलेंगे मुजफ्फरपुर और हम निकलेंगे अपने घर, और भाई साहब भी निकलेंगे अपने घर। थैंक यू।